अग्रवाल में सामने आई खाकी की दरिया दिली। थाना प्रभारी सुधीर सड़ोत्रा अपनी टीम के साथ मिलकर लोगों के घर तक पहुंचा रही राशन। लॉकडाउन के इस मुश्किल दौर में गगवाल पुलिस के थाना प्रभारी सुधीर सड़ोत्रा की दरियादिली भी देखने को मिल रही है। कभी थाना प्रभारी और उनकी टीम भूखे को भोजन देना, तो कभी परिवार को राशन, तो कभी गरीब मरीज को उसके घर तक दवा पहुंचाना। गगवाल पुलिस का ऐसा रूप देखकर लोगों के मन से पुलिस के प्रति पनपी कुंठा दूर होती नजर आ रही है। उपजिला आरएसपुरा प्रेस क्लब के सभी सदस्यों का गौरव चिव ने अपनी ओर से एक वर्ष के लिए स्वास्थ्य कोविड 19 निःशुल्क बीमा करवाकर उन्हें दस्तावेज सौंपे। गौरव चिव ने इस समय कोरोना वायरस की महामारी के चलते पत्रकार अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, ऐसे में उनके कार्य से प्रभावित होने पर अपनी ओर से उनका निःशुल्क एक वर्ष के लिए स्वास्थ्य उन्हें उपलब्ध करवाने के लिए बीमा करवाया गया, ताकि अगर कोई भी बीमार होता है तो उसे बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके। इस दौरान आरएसपुरा प्रेस क्लब के चेयरमैन दलजीत सिंह, प्रधान सुभाष चंद्र सहित क्लब के अन्य सदस्य मौजूद थे। लॉकडाउन के चलते कोई भी भूखे पेट ना सोए, इस उद्देश्य से हीरानगर में समाज सेवक मनोज कुमार शर्मा ने आज कई जरूरतमंद परिवारों को राशन दिया। हीरानगर तथा आसपास के क्षेत्रों में गरीब मजदूरों में 300 बैग राशन वितरित करने के बाद उन्होंने कहा, अगर राशन देने की जरूरत पड़ी तो पीछे नहीं हटेंगे। कोरोना वायरस के बाद से लगे कर्फ्यू के कारण लोगों का कामकाज बंद हो गया, वहीं कई परिवारों के लिए दो वक्त की रोटी का भी संकट पैदा हो गया। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सांबा जिला के जाने माने समाजसेवी मनोज कुमार टोनी अपने परिवार सदस्य और उनकी टीम जरूरतमंदों की सेवा करने के कार्य में जुटी हुई है। मल्टीपल एक्शन रिसर्च ग्रुप आरएसपुरा के चेयरमैन दिव्यांग अशोक कुमार क्षेत्र के गांवों को सैनिटाइज करने के बाद अब गांव-गांव में जाकर लोगों को कोरोना वायरस से बचाने के उपाय के बारे में जागरूक कर रहे हैं। इतना ही नहीं, वह अपनी जेब से लोगों को सैनिटाइज एवं मास्क वितरित कर रहे। कोरोना वायरस के खिलाफ एक योद्धा की तरह काम कर रहे अशोक कुमार को ब्लॉक आरएसपुरा तथा मीरा साहिब के चेयरमैन प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित कर चुके। इसके अलावा अनेक संगठनों तथा समाज सेवकों द्वारा भी सम्मानित किया जा चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, जेके खबर नाउ। दिनांक 9 मई को न्यू आगरा चक और समका पंचायत में बीएसएफ के 16 बटालियन के कमांडेंट श्री वीरेंद्र सिंह सिंधु के आदेश अनुसार कोविड 19 के दौरान लॉकडाउन की वजह से फंसे हुए छत्तीसगढ़ के मजदूरों के मध्य फूड पैकेट वितरित किए गए। इस कार्यक्रम के दौरान गणमान्य लोगों के साथ बीएसएफ की तरफ से श्री संजय प्रताप सिंह, उप कमांडेंट श्री राकेश कुमार रनवा, सहायक कमांडेंट आगरा चक सरपंच सपना देवी, शाम का सरपंच बलकार सिंह उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, जेके खबर नाम। ग्राम ठिकरिया में घर घर जाकर बांटे गए मास्क। ग्रामीण विकास विभाग आरएसपुरा की तरफ से शनिवार को गांव ठिकरिया में घर घर जाकर लोगों में मास्क वितरित किए गए तथा कोरोना को वायरस से बचने के उपाय के बारे में जागरूक किया। इस मौके पर विभाग के ग्राम सेवक वंचन लाल, गांव के नंबरदार सरदार बलविंदर सिंह, नायब सरपंच सहित तमाम लोग मौजूद रहे। बलविंदर सिंह नंबरदार ठिकरिया तो, और कष्ट है कि साडे वीडियो साहब नाल ही गलबात की, उन्होंने बेचारे ने मास्क सानू भेजे ने, और साडे ग्राम सेवक भी बहुत अच्छे बंदे ने, वो साडे को लैके आए ने। साडे नायब सरपंच साहब रिंका जी, पंच साहब साडे सतपाल जी, असी सारे इत्थे अपने जसबीर जी, असी सारे इकट्ठे हो के हर घर घर जाके राशन कार्ड लैने आ लोगों के, देखने आ गरीबां नूं ये वंडण की कोशिश कर रहे हैं। तो साडी कोशिश यही है कि सारे अगे यही अपील है कि भाई ये चीज़ां तुसी लो, तो घरों बाहर नहीं निकलना जब तक बीमारी खत्म ना होए। उन्हें चाहे तुम सारे भरावान ने अपने भैन भरा जो भी मेरे रिश्तेदार यार दोस्त ने अपने घर ही रहना चाहिए, जब तक बीमारी का कोई इलाज नहीं निकलता घर ही रहो, सरकार का साथ देंगे अं।